कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्ती बढ़ा दी गई। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए दक्षिणी थाना क्षेत्रों में 11 बैरियर बनाए गए हैं। इन पर 24 घंटे दो शिफ्टों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इन रास्तों से जाने और आने वाले प्रत्येक वाहनों की एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोग यदि लापरवाही कर नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया गया है। इस दौरान लॉकडाउन का पालन कराने के लिए इंस्पेक्टर बेलीपार संतोष कुमार सिंह ने क्षेत्र में जीप से भ्रमण करते हुए माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को घरों में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, वही कुछ चीज़ें जब अच्छी होंगी तो ये जो सिस्टम चल रहा है अचानक वो आप लोग दुनिया बनाए रहेंगे, मुंह बांधे रखिए, गमछे से ही सही रुमाल ले लीजिए, गमछा ले लीजिए, अपने कामों से नाक और मुंह बांध के रखिए, गमछे से सही रुमाल ले लीजिए, जो भी है और आगे बढ़ते रहिए, अपना मुंह बांध के रखिए, मास्क लगाइए, मेडिकल स्टोर पर भी जो है जहाँ भी है मेडिकल या किसी भी काम से सभी लोग अपने मुंह को नाक को ढंग से बांध के निकले, मास्क लगाए, अंगोछा तौलिया का प्रयोग करें, सुरक्षित रहे, एक साथ इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, चाहे बैंकों में हो या ग्राहक सेवा केंद्रों में, अपनी सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान दें। बिना भाई हेलमेट लगाए मुंह को मास्क नहीं बांधे हुए हो, चाचा आप भी बांधिए, बीमारी से बचिए। लॉकडाउन का पालन पूरा कराया जा रहा है, कुल 11 बैरियर हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स फोर्स लगी हुई है, डॉक्टर्स की टीम है, मजिस्ट्रेट हैं और वो लॉकडाउन पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। इंटरनल जो नाकाज हैं उस पर भी चेकिंग की जा रही है और उस पर भी सबको अनावश्यक घूमना जो घूम रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है और मैक्सिमम जो लोग हैं वो समझदार हैं और वो अपने घर पर ही रह रहे हैं। सर, इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर पुलिस द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को? वो हर जगह मीटिंग्स की जा रही हैं, धर्म गुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई कार्य ना हो, कोई आकस्मिक कोई ऐसी बातें ना हो तो कहीं सब अपने घर में रहें और जो मानक है उसके अनुसार वो वहीं पर घर में मौजूद रहें।